हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और इसका रहस्य जानिए। आधा नहीं, आधा सुनने में शिवगुरु का अपमान होता है। एक बुढ़िया थी और उसका पति भी थे और उनका चार पुत्र पैदा लिया। चारों पुत्र बड़ा हो गए, बड़ा हो गए उस बुढ़िया के पुत्र। बेचारी बूढ़ी पहले से नहीं थी, चारों पुत्र जब बड़ा हो गए तब बूढ़ी हुई। बड़ा हो गए तो उसके पति जो थे उनका लास्ट समय आ गया। तो उसके पति चार लाल रखे हुए थे, लाल रखे हुए थे तो अपनी पत्नी को उस लाल को सौंप दिए। बोले कि लो, इस लाल को रखो, ये तुम्हारा जीवन का सहारा है। जो तुम्हें सेवा करेगा उसी को लाल देना। लेकिन ये बुढ़िया जो थी बहुत बड़ा पुजारी थी। प्रतिदिन कार्तिक महीना में सुबह में 3 बजे उठती थी, अपने क्रिया कर्म करके और शंकर भगवान के, गंगा माता के पूजा करती थी, तुलसी में जल देती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी और 12 मास तुलसी में जल डालती थी और शंकर भगवान के पूजा करती थी। बुढ़िया वो लाल को रख लिया। कहना अनुसार उसके पति कुछ दिन में अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया के बेचारी का सहारा ही खत्म हो गया। बूढ़ा भी थे लेकिन उनका सहारा वही थे, पति ही परमेश्वर होते हैं। जो पति हैं वो सब कुछ होते हैं स्त्री के लिए। तो ये बेचारी चारों पुत्र के कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ रहने लगे, लेकिन पहले बड़ा लड़का के साथ रहने लगी और बहू के बोली, अरे बहू कुछ जानती हो, मेरे पास चार लाल है, ये लाल है इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत अनमोल रत्न है। इसके बहू बोली, देखें माँ जी, बहू को दिखाई, बोली कि माँ जी मंझला बेटा को मत बताइएगा, संझला छुटका को मत बताइएगा, सिर्फ हमें बता दिए हैं, आपको पूरा दिन परवरिश हम करेंगे माँ जी। बोले ठीक है। अपने पति से बोली, जानते हैं माँ के पास चार गो लाल है, हम ही माँ को सारा दिन रख लेंगे। अरे माँ के एक लाल भर तो माँ के खर्चे नहीं करेंगे। लेकिन जब 1 साल हुआ इसके घर में तो ये मंझला के पास चली गई, क्योंकि चारों का बंटवारा होल था कि 1 साल इधर 1 साल इधर माँ रहेगी। मंझला बेटा के पास गई तो मंझली बहू से बोली, अरे बहू कुछ जानती हो, जो मुझे सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। वो बोली, क्या ची माँ जी, क्या है? ये बेचारी बोली, अरे मेरे पास लाल है, चार लाल है। ये बोली, कैसा लाल है माँ जी, देखें? ये देखी। बोली, अच्छा बहुत अच्छा है माँ जी, किसी को मत बताइएगा। बोली, बेटा खाली तुम्हें ही बताए हैं, किसी को नहीं, तू सेवा करेगी हम तुम्हें ही देंगे। बोले ठीक है माँ जी, अभी आप ही रखिए। कुछ दिन इसके पास भी 1 साल रहे, संझला के पास गए, संझला के पास भी वैसा ही बूढ़ी बोली, और छोटका के पास गई तो छोटका से भी बोली, लेकिन छोटी बहू क्या की कि एक लाल चोरी कर ली और दबा के रख ली। और जब इसको तरफ 1 साल हुआ तो फिर बड़का के पास गई। वैसा ही करते करते कुछ दिन के बाद बूढ़ी का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो उसका जो लाश था वो पड़ल रह गया। चारों भाई आपस में लड़ने लगे, लड़ने लगे कि भाई माँ के पास चार लाल था, वो क्या हुआ। मंझला भाई भी बोलने लगे, संझला भाई भी बोलने लगे, छोटका भी बोलने लगे। सब बोले कि अरे हमसे तो माँ बोली थी कि हम किसी को बतावे नहीं किए हैं, तो सब कोई जानते हो। सब कोई बोले, हाँ हमें भी माँ दिखाई थी, हमें भी माँ दिखाई थी। इतना ही में लड़ते लड़ते एक बड़ा राजा उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, निकल रहे थे। तो बोले, अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो इतना, बताओ तो। ये बोले, क्या कहूँ राजा साहब, हमारे माँ के पास चार लाल था और ये जो लाल है वो 3 ही बच रहा है।
और कोई भी नाम नहीं लेता है कि मेरे पास है, और हम लेंगे तो एक लाल लेंगे। बड़का भी बोल रहा है हम एगो लेंगे, मंझला सहला छोटका सब एक और लाल तीन है। तो राजा साहब बोले कि अच्छा ये लाल मुझे दे दो और जाके अपने माँ को पहले माटी मजील कर लो, इनका माटी को ले जाओ और इन्हें पहले डाक क्रम करके और मेरे पास आ जाना। बोले ठीक है, वो गए उन्हें डाक क्रम करके और राजा साहब के घर चल गए। जब घर गए तो रात में राजा साहब बहुत सुंदर से सबके भोजन करवाए, भोजन करवा के और बोले कि ऐसा करो कि लाल का बंटवारा हम कल देंगे तुमको, लेकिन कब देंगे, सब एक एक लाल बना के एक एक लाल हमको मुझे और दो, तब हम लाल देंगे और चारों जाओ घर। सुबह में सबको घर चला दिए, सब बेटा चारों बेटा घर आ गया और अपने अपने पत्नी से बोला क्या कहें, राजा साहब एक लाल और मांगे हैं, कहाँ से देंगे। उनके पत्नी बोले पागल हो गए हैं, लाल कहाँ से लाएंगे, मट्टी के बना के दे दीजिए और कहाँ से देंगे। तीन बेटा जो थे वो मिट्टी का लाल बना दिए, और जो वो थे चोरी वाला वो तो उनके पास लाल था, वो बोले कि ऐसा कीजिए ना लाल खरीदने का है लग जाएंगे, एक लाल तो हम लोग के पास सही है, यही लाल ले जाके राजा साहब के दे दीजिए, और वही लाल ले जाके राजा साहब को दे दिए। चारों मिल के ले जाके अपना अपना लाल दे दिए। राजा साहब देख के बहुत खुश हुए, बोले कि चलो बहुत अच्छा है कि तुम लाल लाके मुझे दिया है, और चारों के बंटवारा एक एक लाल कर दिए। चारों के बंटवारा जब एक एक लाल कर दिए और चारों जब वापस ले के आया लाल को यहाँ घर में, तो जो छोटी वाली बहू थी वो पूरा चिल्लाने लगी कि अरे ये कैसे हो गया, हम एक लाल तो घरे से आपको दिए थे और एक लाल हिस्सा होना चाहिए, तो एक लाल आप क्यों लेके आए, ऐसा कैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं, और सबसे पूरा लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो फिर गए वहाँ राजा साहब के पास, और राजा साहब के पास गए चारों भाई और बोले राजा साहब हमें इंसाफ चाहिए, हम एक लाल तो पहले से आपको दिए थे और आपके पास लाल भी था, तो वो वाला हिस्सा मेरा कहाँ गया। तो ये तीनों भाई बोले कि राजा साहब पूछिए कि ये लाल कहाँ से लाया था, इसके पास कहाँ से आया था। और राजा साहब उनसे इंसाफ में पूछें कि बोलो कि लाल तुम्हें कहाँ से आया था। बोला कि लाल माँ के पास चार था, एक हम चुरा लिए थे और चुरा के हम रख दिए थे और वही लाल हम आपको ला के दे दिए। बोले कि अच्छा, तो जब वही लाल ला के दे ही दिया तो तुमको एक तो एक एक और इन लोग भी तो एक एक लाल ला के दिया है, तो हम लोग का एक एक लाल क्यों दिए हैं। ए बोले राजा साहब लाल दिखा दिए कि लो देखो तुम्हारा भाई ने क्या चीज़ लाल दिया है, ये मिट्टी का लाल बना के ले जा के दिया था, वही लाल सबको दे दिए। तो राजा साहब बोले कि देखो सच्चे ईमान के धन होता है, जैसा करनी वैसा भरनी होता है, तुम तो चुरा के सोचा था कि हम बड़े धन वाला हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम माँ के लाल चुरा लिया तो क्या सोचा कि माँ के लाल चुरा के और बंटवारा में मुझे दो हो जाएगा, नहीं 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 एक ही रहेगा और एक ही लाल दे के। और बोले अब से अगर जो लड़ाई करोगे तो तुम्हारा धन से माँ के धन से और किसी भी जायदाद में तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा, किसी को मत सताना। वहाँ से सब चल दिए और तीनों भाई एकमति से, और ये जो छोटे वाले थे वो बिल्कुल अपना मति पत्नी के साथ ही उनके साथ ही रहने लगे, कोई भाई से कोई मतलब नहीं। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।